जनरल वर्कर्स इजलास से कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब भी करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सहेल रब से। सहेल रब बताइएगा कब तक इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी यहां पर आकर खिताब करेंगे, कोई दीगर रहनुमा भी यहां पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एमक्यूएम भादराबाद ऑफिस के साथ जो पार्क है उसमें यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो आज एमक्यूएम का जनरल वर्कर्स इजलास तलब किया गया है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन हमीदुल्ला आपको दिखाएंगे कि ये स्टेज तैयार है और यहाँ पे तंजीमी जिम्मेदारान और बल्दियाती उम्मीदवारान का आज ये इजलास तलब किया है जिसको हेड करेंगे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। यहाँ पे कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, खवातीन कारकुनान भी आ चुकी हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कारकुनान आ रहे हैं। जनरल वर्कर इजलास का जो टाइम था वो शाम 6 बजे का था लेकिन अब जो मुतवक्का आगाज होगा वो तकरीबन जो है वो 8 बजे तक होगा और इस इजलास बुलाने की जो बड़ी वजह है वो एमक्यूएम का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उससे पहले जो हल्का बंदियां हैं जिसको एमक्यूएम ने अब तक तकलीम नहीं किया है इस पे आज अपना मौकफ एमक्यूएम और उसके रहनुमा कारकुनान को एतमाद में लेके आज अपना एक ठोस मौकफ यहाँ पेश करेंगे। और यहाँ पे एमक्यूएम के जरा ये बताते हैं कि आज जो है वो एमक्यूएम ऐलान कर सकती है गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों के हवाले से एहतजाज की रैली का जो है वो आज ऐलान होगा लेकिन कोई भी चीज जो होगी राबता कमेटी के अरकान और यहाँ पे जो कारकुनान है उनकी मुशावरत से होगी और उनको एतमाद में लेके होगी। जी सुहेल रब बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।